नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से पुलिस द्वारा अभद्रता किए जाने के मामले का विरोध थम नहीं रहा है। यहाँ धुंधीराम मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने राज्यसभा सांसद के समर्थक धरने पर बैठे हुए हैं, जो राज्य सरकार मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जता रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक मंत्री शांति धारीवाल माफ़ी नहीं मांगेंगे और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। सांसद समर्थकों का कहना है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में आतंकी शब्द का प्रयोग किया, उससे पूर्व समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। साथ ही वीरांगना से मिलने जाते वक्त पुलिस ने राज्यसभा सांसद के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की, ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धरने में शामिल होने के लिए नगर परिषद के पार्षदों समेत दूर दराज के लोग भी पहुंचे हैं, जो राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यसभा सांसद के साथ हुई घटनाक्रम पर आक्रोश जता रहे हैं। आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो वीरांगनाओं को लेकर के, देखो ये धरना प्रदर्शन वीरांगनाओं को लेकर के है और डॉक्टर साहब और वीरांगनाओं को लेकर के जिस तरह से जयपुर में हमारा 12 दिन तक धरना प्रदर्शन चला था उसको लेकर के ये आंदोलन है, क्योंकि वीरांगनाओं को रात को 3 बजे सरकार के इशारे पर पुलिस ने जयपुर से सचिन पायलट के घर के बाहर से उठा करके और उनको अपने अपने घरों पर नज़रबंद किया था। और डॉक्टर साहब जब उनसे मिलने जा रहे थे तो सांगो की पुलिस ने उनको पकड़ के उनके कपड़े फाड़े, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और उनको थाने में ले जाया गया। तो ये बहुत ही गलत काम किया है गहलोत सरकार ने, हम उसके विरोध में ये चाहते हैं कि पुलिस ने जो कृत्य किया है उसके विरोध में, कि पुलिस के जो अधिकारियों ने ये काम किया उनके खिलाफ़ IPC की धारा 307 में उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, वो तुरंत रूप से बर्खास्त हो। तो जो शांति धारीवाल जो स्वास्थ्य शासन मंत्री है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने डॉक्टर साहब को आतंकी जैसे शब्द से संबोधित किया है, जो तब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा धरना अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा और हम और भी बड़े धरने को इस धरने को और भी बड़े रूप में आगे आने वाले दिनों में रणनीति के साथ में बहुत बड़ा धरना हम देंगे, जिससे कि सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जो आने वाले दिनों में हम रणनीति के साथ में तय करेंगे। हमारे पे 36 गांवों के नेता, हमारे डॉक्टर साहब सर्व समाज के नेता हैं और इन्होंने जो वीरांगनाओं के हित की लड़ाई के लिए उनकी मांगों के लिए वह धरना रखा, वो उनके इनके कोई स्वार्थ नहीं था, उन वीरांगनाओं का हक लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सरकार के इशारों के आधार पर रात को जब वीरांगनाओं को उठा के लेके गए तो उनसे मिलने के लिए डॉक्टर साहब जा रहे थे तो प्रशासन के द्वारा उनको उठाया गया, वो गलत उठाया गया। डॉक्टर साहब एक जाति का कोई नेता नहीं है, मैं स्वयं जाति से ब्राह्मण हूँ और हम ब्राह्मण समाज नहीं 36 कौम डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे और डॉक्टर साहब का साथ जो भी प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार के वो किया जाएगा हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे, 36 कौम डॉक्टर साहब के साथ रहेगी। डॉक्टर साहब फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।